हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त ईशान, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं लिनोवो का आइडिया पैड गेमिंग 3। जी हाँ, लिनोवो ने हाल ही में लॉन्च किया इस लैपटॉप को। देखिए, प्रोसेसर तो इसका i5 11 जनरेशन है, एच प्रोसेसर है, लेकिन ग्राफिक्स जो लिनोवो ने इसमें दिया है वो है RTX 2050, जो पीछे अभी HP ने अपने लैपटॉप्स के अंदर लॉन्च किया था, जिसकी वीडियो हमने अभी बनाई थी, आपने देखी हो। तो अब लिनोवो ने अपने आइडिया पैड गेमिंग 3, जो सबसे पॉपुलर है लिनोवो का गेमिंग मॉडल, उसमें लॉन्च किया है आइडिया पैड गेमिंग 3 RTX 2050 के साथ। तो आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे सारे, कहीं मत जाइएगा, लैपटॉप का बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएंगे। मैं आपको यह भी बता दूं, ये लैपटॉप हमें लिनोवो ने प्रोवाइड कराया है, जो करोल बाग में लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर है दिल्ली के अंदर, उन्होंने ये हमें लैपटॉप प्रोवाइड कराया है। ये लैपटॉप जब हम अनबॉक्स कर देंगे, उसके बाद इनके थ्रू वापस लिनोवो के पास चला जाएगा। ये लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर करोल बाग में है, जो बहुत ही बेटर रेट पे लिनोवो के लैपटॉप देता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है। देखिए, हर लैपटॉप में हमें जो चीजें मिलती हैं, इस लैपटॉप के बॉक्स में हमें थोड़ी सी एक अलग चीज मिली है, जो अभी तक हमें किसी भी लैपटॉप के बॉक्स में नहीं मिली है। बात करते हैं कौन सी है। पहले करेंगे प्रीमियम पावर कोड, जो हर लैपटॉप में मिलती है। 135 वाट का पावर एडाप्टर है USB, जो गेमिंग लैपटॉप है तो आप एक्सेप्ट करिए कि इसमें 65 या 45 वाट का एडाप्टर आएगा। जो इसमें डिफरेंट है वो ये है। जी हाँ, आप ये अगर आप एक कभी कभी लैपटॉप ले रहे हैं, और बेसिकली लैपटॉप कभी कभी लेते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते लैपटॉप की, तो आप ये देख के जरूर सोचेंगे कि ये क्या है। मैं ये आपको बता देता हूँ, लिनोवो ने इस लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव की अपग्रेडेशन की ऑप्शन रखी है। SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये उसी की एसेसरीज है, कनेक्टर्स और एक केसिंग है, जो इस लैपटॉप के अंदर फिट होके आप अपग्रेड कर सकते हैं। ये मैंने पहली बार देखा है कि अपग्रेडेशन की ऑप्शन कंपनी ने ही दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये कभी भी अगर आप ये लैपटॉप ले रहे हैं, इसको फेंकिएगा मत, फ्यूचर में स्टोरेज अपग्रेड करने में ये ही काम आएगी। तो दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप को। देखिए, लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप है, थोड़ा सा वेट तो होता ही है। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा तो थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि आम गेमिंग लैपटॉप्स में होती है। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी है, क्योंकि आइडिया पैड गेमिंग 3 है। इसके ऊपर भी जो लॉक सीरीज है या लीजन सीरीज है, जो लिनोवो लॉन्च करता है, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो उस कंपेरेटिवली नहीं, उसके कंपेयर में आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेटर है इस लैपटॉप की। बैक पैनल देखेंगे, वेंटिलेशन थोड़ा सा, अगर आप गेमिंग लैपटॉप देखते हैं तो नॉर्मली बड़ा होता है, जैसे लॉक सीरीज में भी देखा था, इसमें लिनोवो ने थोड़ा सा कम वेंटिलेशन बैक साइड में रखा है, लेकिन साइड्स में आपको वेंटिलेशन जरूर मिल जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप को ओपन करते हैं। एक हाथ से ओपन हो गया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया था, लेकिन हमने एक हाथ से इस लैपटॉप को ओपन कर लिया। अगर हम वॉबलिंग की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा वॉबलिंग आपको इस लैपटॉप में देखने को नहीं मिलती। इसको बूट अप करने में हमें 10 मिनट का समय लगेगा, फर्स्ट टाइम बूट अप है। तो इतने हम इसके पोर्ट्स देखते हैं, और मैं इसका कलर भी बता दूं, कलर इसका जो है वो शेडो ब्लैक है। बेसिकली अगर हम शेडो आगे लगा देते हैं, अदरवाइज ब्लैक कलर में ही ये लैपटॉप लिनोवो ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं बूट अप और इसकी देखते हैं कॉन्फिगरेशन। उससे पहले देखते हैं इसमें लिनोवो ने कौन कौन से पोर्ट्स दिए हैं। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो हमें 3 पोर्ट्स दिखाई देते हैं। 3 पोर्ट्स हैं, जिसमें से जो 2 पोर्ट्स हैं वो है USB टाइप ए 3.2, और एक हमें मिलता है 3.5 mm का कॉम्बो जैक हेडफोन और माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए। लैपटॉप के राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो हमें 4 पोर्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट पोर्ट हमें दिखता है वो चार्जिंग के लिए है, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाई देता है 100x1000 mm का RJ45 कनेक्टर, गेमिंग लैपटॉप को तो ये आपको जरूर मिलेगा ही। उसके बाद 2.0 एक HDMI कनेक्टर आपको दिखाई देता है, और एक आपको मिलता है USB टाइप सी 3.2 जेन 1, जो सपोर्ट करता है डाटा ट्रांसफर। चलिए दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फिगरेशन क्या है। सबसे पहले बात करूंगा प्रोसेसर की। प्रोसेसर है i5 11 जनरेशन 11320H प्रोसेसर।
जी हाँ, देखिए माना आज की डेट में 12 और 13 जनरेशन चल रहा है, लेकिन वो सब 1650 ग्राफिक्स 1650 ग्राफिक्स के साथ आते हैं। लेकिन ये जो लैपटॉप लेनोवो लॉन्च किया है, ये है 11320H प्रोसेसर के साथ, जिसकी बेस स्पीड 3.19 गीगाहर्ट्ज़ है। और अगर हम बात करेंगे कोर्स की, तो इसके जो कोर्स हैं वो 4 कोर हैं। 4 के 4 जो कोर हैं वो परफॉर्मेंस कोर है। जी हाँ, देखिए जो भी एफिशिएंट कोर आने शुरू हुए हैं वो 12th जनरेशन के बाद आने शुरू हुए हैं। उससे पहले इंटेल में जितने भी कोर्स आते थे वो सारे परफॉर्मेंस कोर्स होते थे। मतलब जितने भी टर्बो बूस्ट, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती थी, क्लॉक स्पीड, सारे के सारे कोर्स वहां तक जाते थे। लेकिन 12th जनरेशन के बाद 8 या 10 कोर आने लगे, उनमें से 3 या 4 ही परफॉर्मेंस कोर होते थे, बाकी सब एफिशिएंट कोर होते थे। इसके अंदर 4 कोर हैं, 4 के 4 परफॉर्मेंस कोर है। इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि आज की डेट में 8 या 10 कोर आ रहे हैं और ये 4 कोर का है, 4 के 4 परफॉर्मेंस कोर है। और प्रोसेसर अगर मैं बताऊं, इंटेल का है, 10 नैनोमीटर का ये प्रोसेसर इंटेल का आपको मिलता है लेनोवो के लैपटॉप में। लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो 8 है, अगर L3 कैशे की बात करेंगे तो वो भी 8 MB की है। देखिए मैं बात करूंगा कि बहुत हैवी प्रोसेसर नहीं है, जैसा कि आप 12th या 13th जनरेशन में देखते हैं। लेकिन अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस वाइज बात करूंगा तो ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा बेटर नहीं कहूंगा, थोड़ा सा लोअर साइड पे। लेकिन प्राइस भी लेनोवो ने लैपटॉप की उसी तरीके से रखी है। लेकिन हाँ, अगर आप 12th जनरेशन के अंदर 1650 GTX ग्राफिक्स ले लेते हैं तो वहीं उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अगर आप बात करेंगे इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के साथ साथ इसका ग्राफिक्स भी जरूर दिखेगा, 2050 जो आपको RTX मिल रहा है। रैम की बात करते हैं, 8 GB रैम है, DDR4 रैम है, 3200 MHz की, एक स्लॉट दिखा रहा है, एक का एक यूज्ड है। जब हम लैपटॉप खोलेंगे तो उसके बाद देखेंगे। डिस्क की बात करते हैं, 512 GB SSD आपको इसमें मिलती है, अपग्रेड की ऑप्शन है इसके अंदर। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि साथ में लैपटॉप के बॉक्स में ही हमें एडजस्टमेंट मिली थी, वो देखेंगे लैपटॉप जब ओपन करेंगे कि वो कहाँ लग जाएगी। ये आयरिस ग्राफिक्स आपको दिखा रहा है, इंटेल आयरिस ग्राफिक्स हमारे खास यूज में नहीं आता है। जब हमारे पास एनवीडिया जी फोर्स RTX 250 ग्राफिक्स आपको मिल रहा है, 2050 ग्राफिक्स, डेडिकेटेड GPU मेमोरी है, DDR6 है 2050 के साथ, और शेयर 3.9, टोटल आपकी ग्राफिक्स होती है 7.9 GB। लेकिन हमें मतलब होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स से, जो इसमें 4 GB है। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं, अगर हम इसको मिनिमाइज करके इसकी पावर खोलते हैं, मैं आपको ग्राफिक्स, क्योंकि हमारे एक व्यूअर्स ने कहा था कि सर आप TDP भी बता दिया करें, जो पावर होती है फ्रीक्वेंसी, अगर आप देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम जो ग्राफिक्स पावर है वो 70 वॉट आपको मिलती है। जो वॉइस अभी आप सुन रहे थे वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी गई थी, जिससे आपको इसकी माइक की क्वालिटी भी पता चल जाए। इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080 आपको मिलता है। IPS स्क्रीन है 300 nits के साथ, एंटी ग्लेयर आपको इसमें मिलता है, और NTSC 45% आपको इसमें मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात जो गेमिंग लैपटॉप में हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है, 144 Hz की आपको इसमें स्क्रीन मिलती है। आप कैमरे की बात करेंगे तो 720p HD कैमरा आपको मिलता है इसमें, प्राइवेसी शटर के साथ। और अगर हम माइक्रोफोन करेंगे, 2 माइक्रोफोन इसमें हमें मिलते हैं, जो लिनोवो ने दिए हैं। 15.6 इंचेस में फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड आपको इसमें मिलता है, वाइट बैकलिट कीबोर्ड है। कलर अगर हम बात करेंगे तो शेडो ब्लैक आपको इसमें कलर मिलता है। तो दोस्तों, समय आ गया है लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि 2 फैन है, एक प्रोसेसर के लिए और एक ग्राफिक्स के लिए। 2050 RTX ग्राफिक्स है, एक उसके लिए फैन लगा हुआ है। साथ में आपको 2 स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं रैम के। जब हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे तो हमें एक स्लॉट दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें 2 स्लॉट्स हैं, जिसमें एक 8 GB की रैम लगी हुई है, एक स्लॉट खाली है। यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पे साथ में दिखाई दे रही है SSD, जो इसमें लगी हुई है 512 GB की। इसके अंदर वाईफाई जो है वो यहां पे लगा हुआ है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1 आपको इसमें मिलता है। देखिए, जो इसके अंदर सबसे खास बात है वो है इसकी अपग्रेडेशन की। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, इसमें आपको अपग्रेड की ऑप्शन मिल रही है। ये केसिंग अगर आपने हार्ड डिस्क ड्राइव लगानी है या साटा
एसएसडी लगानी है, तो आप इस केसिंग को यहाँ पे लगा के और ये वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करके, ये देखिए इसके थ्रू कनेक्ट करके आप एसएसडी को लगा सकते हैं, या अगर आपने ये यूज़ नहीं करनी, एक एसएसडी का स्लॉट आपको और मिलता है, वो इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एसएसडी आप एक अपग्रेड और कर सकते हैं। यहाँ आपको अगर हम बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी आपको जो इसमें मिल रही है वो है 45 वर्क आवर की, आपको इसमें बैटरी मिलती है। दो स्पीकर्स हैं जो लिनोवो ने इसमें दिए हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, आपको दो स्पीकर्स मिलते हैं। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3, i5 11 जनरेशन में है, 8 GB रैम और 512 GB SSD के साथ। देखिए जो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, जो सबसे बड़ी खासियत है इस लैपटॉप के अंदर वो है अपग्रेडेशन की। आप इस लैपटॉप में रैम तो अपग्रेड कर ही सकते हैं, आप SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने अभी आपको खोल के दिखाया कि हमें पुरानी वाली SSD निकालने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर लिनोवो ने अच्छी खासी ऑप्शंस आपको दे रखी हैं अपग्रेड करने के लिए। ये लैपटॉप आपको लिनोवो विंडोज 11 के साथ देता है, होम सिंगल लैंग्वेज के साथ, जो लाइफ टाइम होता है, जो आपका लैपटॉप के लाइफ टाइम के साथ रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक्सपायर हो जाएगा कि 3 साल बाद 4 साल बाद, जब तक लैपटॉप की लाइफ है जब तक ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओरिजिनल रहेगा। देखिए बात करेंगे अगर हम यूसेज की, तो गेमिंग लैपटॉप है, अगर आप इसमें गेम खेलना चाहें या एडिटिंग करना चाहे, वीडियो एडिटिंग, आपने कोडिंग करनी है, आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा है 100% sRGB नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको 100% कलर क्लैरिटी चाहिए होती है, जिनको 100% sRGB चाहिए होती है, वो मोस्टली उन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है जो कोरल ड्रो या फोटोशॉप में यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उन्हीं को इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर आपको 100% क्लैरिटी की जरूरत है कलर की, तो ये लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें बाकी किसी भी यूज़ के अंदर, तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। 1650 ग्राफिक्स पुराना हो गया, अब 2050 ग्राफिक्स का टाइम आ गया है, हालांकि RTX 3050 आगे 4060 भी आ चुका है मार्केट में, लेकिन जिस प्राइस बैंड के अंदर ये लिनोवो ने लैपटॉप लॉन्च किया है, उस प्राइस बैंड के अंदर ये मैं कहूंगा सबसे बेस्ट है। अगर आप प्राइस की भी बात करेंगे, चलो हम प्राइस की भी बात कर लेते हैं, अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो लिनोवो ने ये लैपटॉप अप्रोक्सीमेटली 60,000 के आसपास लॉन्च किया है। जी हाँ, 60,000 तक ये लैपटॉप आपको मार्केट में मिल जाएगा। मे बी आप ये मत कहिएगा कि 60,000 का, मे बी हो सकता है 1-2 हज़ार रुपये कम मिल जाए या 1-2 हज़ार रुपये ऊपर मिल जाए, ये डिपेंड करेगा आप कहाँ से ले रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं जो भी आप लैपटॉप लें आप उसी ब्रांड स्टोर से लीजिएगा, क्योंकि उस ब्रांड स्टोर पे ही आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला आपको ये बेनिफिट होता है कि लैपटॉप जो आप ले रहे हैं वो जेन्युइन है, इस बात की 100% गारंटी होती है। और जो ब्रांड, जैसे आप लिनोवो अभी हमने लैपटॉप अनबॉक्स किया, अगर आप ये कहेंगे इसकी वारंटी की, तो अभी हम बात कर रहे हैं तो ये लैपटॉप की वारंटी की भी बात कर लेते हैं। 1 ईयर वारंटी लिनोवो इसके साथ आपको दे रहा है। अगर अपग्रेड की भी बात करें, तो लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर पे जब भी आप जाएंगे तो वो आपको अपग्रेडेशन की भी ऑप्शन देते हैं। जी हाँ, चाहे तो 1 ईयर वारंटी को आप 2 ईयर में 3 ईयर्स में अपग्रेड कर सकते हैं, या एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में लिनोवो आपको प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये सब चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर्स पे मिलती हैं। बाकी स्टोर्स पे भी अगर हम मल्टी ब्रांड्स पे भी जाएंगे तो आपको मिल सकती है, लेकिन वो लोग थर्ड पार्टी देते हैं, और थर्ड पार्टी मैं कभी भी आपको वारंटी प्रेफर नहीं करूंगा। जब भी आप लें, कोई भी लैपटॉप लें, HP लें या डेल लें या लिनोवो लें, कोई भी आप लैपटॉप लें, जब भी वारंटी एक्सटेंड कराएं तो सिर्फ और सिर्फ आप उसी ब्रांड की ही वारंटी अपग्रेड कराइएगा, कभी भी थर्ड पार्टी वारंटी मत लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी भी धमाकेदार वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, और हम हमेशा कोशिश करते हैं नए नए लैपटॉप्स की वीडियोस आपके लिए लेके आएं और उनका बैक पैनल ओपन करके आपको जरूर दिखाएं, जिससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाए, जिसकी आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं और लैपटॉप में क्या अपग्रेड नहीं हो सकता। और हाँ, अगर
कोई भी पार्ट्स हम कवर करना रह जाता है, हम कोशिश करते हैं, जैसे हमारे एक व्यूअर्स ने किया था, कहा था कि जब आप गेमिंग लैपटॉप बनाते हैं तो आप ग्राफिक्स का पावर भी जरूर शेयर करा करें। हमने इस बार पूरी कोशिश करी है कि हम उसको भी आपके साथ शेयर करें, आगे भी हम हमेशा ग्राफिक्स की पावर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी आपको चाहिए कि हम अपने लैपटॉप्स के वीडियोज में क्या क्या कवर करें, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।